हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। मैं अमरदीप एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, और दोस्तों थैलेसीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या है, और थैलेसीमिया के कॉजेस क्या है, किन कारणों की वजह से हमें थैलेसीमिया होता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि थैलेसीमिया क्या है। दोस्तों थैलेसीमिया एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और दोस्तों जैसा कि आज 8 मई है या 8 मई जिसको हम बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता भी है कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे क्या है, कौन सा होता है, तो 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे बोला जाता है। तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि आज 8 मई है तो आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। तो बात करते हैं दोस्तों कि थैलेसीमिया है क्या। तो जो थैलेसीमिया होता है दोस्तों, ये एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और ये काफी गंभीर डिजीज माना जाता है। जिसको अगर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है, ये काफी खतरनाक बीमारी भी होती है, जिसमें क्या होता है कि दोस्तों जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, काफी लोग ब्लड को ही हीमोग्लोबिन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, तो उसका जो लेवल है वो काफी कम रहता है, यानी कि जो एक एवरेज हमें जितना चाहिए अपने बॉडी के अंदर, उससे काफी कम हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया जिनको होता है उनके अंदर ये रहता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है ये एक टाइप का, एक विशेष टाइप का प्रोटीन होता है, जिसकी हेल्प से क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में, सभी हिस्सों तक पहुंच पाती है। ठीक है दोस्तों, थैलेसीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। दोस्तों यदि बच्चों के पेरेंट्स जो, यानी कि हमारे माता या पिता में से किसी एक को अगर थैलेसीमिया है, तो बच्चे को भी दोस्तों ये डिसऑर्डर होने का अधिक चांस होता है। हालांकि यदि दोनों में से किसी एक को ये डिजीज नहीं है, तो कभी कभी क्या है, कुछ जीन म्यूटेशन की वजह से भी दोस्तों ये जो थैलेसीमिया है, इसके होने का चांस रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि थैलेसीमिया के टाइप्स कौन कौन से, कितने टाइप्स का थैलेसीमिया होता है। तो दोस्तों थैलेसीमिया जो कॉमन टाइप माना जाता है वो दो टाइप का होता है, बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, जो इसके मेन टाइप्स हैं ये दो ही माने जाते हैं। तो बात करें दोस्तों यहां पर कि अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है। दोस्तों अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन से संबंधित जो जीन है, ये जीन न होना या दोस्तों उसमें किसी टाइप का म्यूटेशन होना अल्फा थैलेसीमिया का कारण बनता है। हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत में दोस्तों अल्फा थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं। ये ज्यादातर जैसे चाइना, अफ्रीका वगैरह, इन देशों में जो अल्फा थैलेसीमिया ये अधिक मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों बीटा थैलेसीमिया की, कि बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। दोस्तों बीटा थैलेसीमिया बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनने की क्रिया को नियंत्रित करने वाली जीन में म्यूटेशन होना बीटा थैलेसीमिया का कारण बन सकता है। हमारे भारत में अधिकतर जो लोग हैं दोस्तों, या उनके अंदर बीटा थैलेसीमिया पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये अमेरिका, चाइना, अफ्रीका, कुछ अदर कंट्रीज में भी बीटा थैलेसीमिया के काफी मामले पाए जाते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो बीटा थैलेसीमिया होता है, जो काफी खतरनाक भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है। दोस्तों थैलेसीमिया के लक्षण इसकी गंभीरता और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और शारीरिक प्रोसेस के अनुसार डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि थैलेसीमिया से विकसित होने वाले कुछ कॉमन सिम्टम्स की मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों, तो जो हड्डियों में जो बोन्स है हमारी, उनकी में विकृति होना, ठीक है, यूरिन का जो कलर है दोस्तों वो डार्क हो जाना, गहरा हो जाना, ठीक है, शारीरिक विकास अपेक्षाकृत मतलब धीमा होना, जो हमारा एक विकास है एज के अकॉर्डिंग उस तरह से दोस्तों नहीं होना, बच्चों में इसका जो चांस है दोस्तों ये सबसे ज्यादा होता है, जो हमारी स्किन का कलर है ये येलो पीला हो जाना,
मांसपेशियां जो मसल्स हैं हमारी उनमें काफी कमजोरी आना, हमें थका हुआ महसूस होना, वीकनेस आना। इसके अलावा दोस्तों थैलेसीमिया के टाइप्स के अनुसार भी इसके जो सिम्टम्स हैं दोस्तों ये अलग अलग हो सकते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में अक्सर कोई जो सिम्टम्स हैं वो कई बार विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की जो कार्य क्षमता है ना वो इतनी प्रभावी नहीं होती है। हालांकि बीटा थैलेसीमिया के कुछ सिम्टम्स की बात करूं तो जैसे एनीमिया, ठीक है, भूख न लगना, कई बार दोस्तों हार्ट या लिवर इनमें प्रॉब्लम होना, स्प्लीन का बढ़ना, ठीक है, हमारी जो बोन्स हैं हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाना। तो दोस्तों यदि आपको जो मैंने यहाँ पर सिम्टम्स बताए हैं अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स आपको महसूस होता है, कुछ इस तरह का लगता है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, परिवार में अगर पहले से किसी को थैलेसीमिया है, पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है, ठीक है, तो दोस्तों आपको तुरंत अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर संपर्क करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, और हो सके तो जैसा डॉक्टर आपको आगे के लिए बताते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के या इसी स्टेज में जाके दोस्तों ये काफी खतरनाक हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉजेस की, कि इसके कारण क्या है। वैसे तो दोस्तों काफी हद तक काफी लोग समझ ही चुके होंगे कि इसके कारण क्या है, क्योंकि जो मैंने पीछे जितना भी बात की है इसमें काफी पॉइंट्स ऐसे है थे कि जिसमें हम पहले ही कारण बता भी चुके हैं। दोस्तों थैलेसीमिया का जो है ये एक टाइप का जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक रोग है, वंशानुगत जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ विशेष जो हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि जीन होते हैं ना, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होता है, तो जीन म्यूटेशन से आ जाते हैं और ये सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। दोस्तों हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन शरीर के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने में इन जीन की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हीमोग्लोबिन दो अलग अलग यूनिट से मिलकर बनती है जिन्हें अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब आपके पेरेंट्स यानी माता पिता में किसी एक को भी अगर थैलेसीमिया है तो दोस्तों आपको माइनर थैलेसीमिया होने का अधिक चांस रहता है, हो भी सकता है, जिससे आमतौर पर ज्यादातर इसके सिम्टम्स कई बार हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। दोस्तों यदि माता या पिता दोनों को थैलेसीमिया है तो आपको थैलेसीमिया के गंभीर सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी थैलेसीमिया का जो ज्यादा चांस रहता है दोस्तों वो हमारे पेरेंट से या जेनेटिक इसका चांस सबसे ज्यादा होता है, या फिर जीन म्यूटेशन की वजह से। जीन म्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जीन के अंदर कोई बदलाव आना, कोई चेंजेस आना, कई बार वो हमें किसी भी एज के अंदर भी जीन म्यूटेशन हो सकता है, जीन के अंदर कभी भी चेंजेस आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि जी जो थैलेसीमिया है ये क्या होता है, इसके कारण क्या है, कितने टाइप्स का होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, थैलेसीमिया को कैसे रोका जा सके, और दोस्तों इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।